सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज चुके हैं दोस्तों, और आज हम लोग जो है एयरफोर्स स्पेशल में, आज का जो टॉपिक है हमारा संडे स्पेशल का, पैसेज। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश का पैसेज वैसे कोई भी टीचर इसको कराता नहीं है, एयरफोर्स के एग्जाम में आता है और 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पैसेज पढ़ेंगे, और जैसा कि हमने कहा है कि एयरफोर्स की जो सीरीज हमारी चल रही है, अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। दोस्तों आपको हम अपनी स्क्रीन की तरफ ले चलते हैं, और आप देख रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा एयरफोर्स स्पेशल न्यू बैच पैसेज प्रैक्टिस सेट ग्रुप एक्स वाई इंग्लिश संडे स्पेशल क्लास 1। जी हाँ दोस्तों, संडे स्पेशल में जो आपकी पैसेज की क्लास है, पहली क्लास आज स्टार्ट हो रही है दोस्तों। और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे दोस्तों तो पूरा पैसेज ही नहीं, हर चीज, चाहे आप इंग्लिश की बात करें, चाहे आप साइंस की बात करें, चाहे आप मैथ की बात करें दोस्तों, चाहे आप जीएस की बात करें, और चाहे आप रागा के प्रश्नों की बात करें, ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवाई जाएंगी दोस्तों। जैसा कि हमने अभी तक मैथ के सेट पर डिस्कस किया था दोस्तों, और मैथ का सेट हमारा कल समाप्त हुआ, आज जो है उसी क्रम में आगे हम लोग इंग्लिश के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, और इंग्लिश का सेट 1 समाप्त करेंगे, तब हम लोग पहुंचेंगे रागा के सेट पर। और उसी के लिए दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, और आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है हिस्ट्री स्पेशल प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, 11 बजे, ठीक हमारी क्लास के जस्ट बाद की जो क्लास रहेगी दोस्तों, 11 बजे सत्यम सर के द्वारा जो है हिस्ट्री की क्लास रहेगी, इंट्रोडक्शन टॉपिक है। और आप सब, मैं चाहूंगा कि आप सब जो है ये वाली क्लास जरूर देखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आपके पैसेज पर चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एयरफोर्स के एग्जाम में आता जो है वो इस प्रकार से आता है, लिखा है पार्ट ए। जी हाँ दोस्तों, लिखा है पार्ट ए इंग्लिश। तो पार्ट ए में जो इंग्लिश आता है दोस्तों वो किस तरह से आता है आप देख रहे होंगे, और इंग्लिश में देखिए लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवेन इन बिलो इन द टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। जी हाँ दोस्तों, पहले पैसेज रहता है, उसके बाद फिर जो है दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उस क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर बताना रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देख रहे होंगे डायरेक्शन 1 से 4 तक, अर्थात प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 4 तक जो है इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको अपने पैसेज की तरफ दोस्तों, और पैसेज आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कह रहा है देखिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। पैसेज दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या लिखा है देखिएगा, कह रहा है विकिपीडिया। जी हां दोस्तों, पैसेज आपका क्या है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है विकिपीडिया इज नाउ इन द 10th ईयर, दिस मल्टी लैंग्वेज वेब बेस्ड फ्री कंटेंट इनसाइक्लोपीडिया इज एन ओपन एडिटेबल मॉडल। जी हाँ दोस्तों, आपकी ये इंक ज़्यादा मोटी चल रही है, इसको रुकिए मैं पतला कर देता हूँ, अब ठीक है दोस्तों, अब आपकी जो इंक है वो हाँ ठीक है, पतली चल रही है। तो देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, विकिपीडिया इज नाउ इन इट्स 10th ईयर, दिस मल्टीलिंगुअल वेब बेस्ड फ्री कंटेंट इनसाइक्लोपीडिया इज एन ओपन एडिटेबल मॉडल, विकिपीडिया इज रिटन बाई मोस्टली एनोनिमस इंटरनेट वॉलेंटियर हु कॉन्ट्रीब्यूट विदाउट पे। जी हाँ दोस्तों, क्रिएटेड इन 2001 विकिपीडिया हैज ग्रोन क्विकली एंड इज टूडे वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफरेंस वेबसाइट विथ ऑलमोस्ट 78 million विजिटर्स इन ए मंथ, एवरीडे पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट बाई एडिटिंग एंड क्रिएटिंग न्यू आर्टिकल टू आर्गूमेंट द नॉलेज
हेल्ड बाई विकिपीडिया इनसाइक्लोपीडिया। जी हाँ दोस्तों, तो ये था आज का जो हमारा पैसेज है। पूरा पैसेज दोस्तों मैं एक बार में पढ़ दिया, और एयरफोर्स में इससे ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज रहता है। 20 प्रश्न रहते हैं दोस्तों आपके पास, और 20 प्रश्न में आपको पूरा सॉल्व करना रहता है दोस्तों। याद रखिएगा कि 20 प्रश्नों में अगर आप 16-17 प्रश्न नहीं करेंगे तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पैसेज को, और पैसेज में देख रहे होंगे दोस्तों इसके अर्थ पर हम चर्चा करें। तो विकिपीडिया क्या कह रहा है देखिएगा, लिखा हुआ है विकिपीडिया इज नाउ इन इट्स 10th ईयर। जी हाँ दोस्तों, ये तब का पैसेज है, चूंकि प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को मैं लिया हूं। तो विकिपीडिया इज नाउ इन इट्स 10th ईयर, मतलब विकिपीडिया अपने 10 वर्ष पूर्व पूरा कर चुका है, या अपने 10वें वर्ष में है। दिस मल्टीलिंगुअल वेब आधारित फ्री कंटेंट मतलब कि फ्री में मटेरियल उपलब्ध कराना, फ्री में जो आपका फ्री में सूचना देना, या फ्री में सामान, मतलब कि कंटेंट का मतलब होता है कोई भी आर्टिकल हो, कुछ भी हो, आप जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो विकिपीडिया का आ जाता है दोस्तों। तो वही लिखा हुआ है फ्री कंटेंट इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया मतलब होता है दोस्तों शब्द संग्रह, शब्दकोश, शब्दों का समूह, ये सब इनसाइक्लोपीडिया के अंतर्गत आता है। इज एन ओपन एडिटेबल मॉडल, इज माने है एन ओपन, एक खुला हुआ एडिटेबल मॉडल, एडिटेबल मतलब होता है दोस्तों जिस पर करेक्शन किया जा सके, मॉडल मतलब नमूना। तो विकिपीडिया एक ऐसा नमूना है दोस्तों जहां पर आपको फ्री में बहुभाषी, मतलब चाहे जिस भाषा में आप चाहें, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, गुजराती, मराठी, चाहे जिस भाषा में आप चाहें, विकिपीडिया आपको उस भाषा में मटेरियल देगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, आगे चलते हैं क्या कह रहा है। विकिपीडिया इज रिटन बाई मोस्टली एनोनिमस इंटरनेट वॉलेंटियर्स। जी हाँ दोस्तों, विकिपीडिया इज रिटन मतलब लिखा जाता है, बाई माने द्वारा, मोस्टली एनोनिमस इंटरनेट वॉलेंटियर, मोस्टली मतलब कि ज्यादा से ज्यादा, एनोनिमस मतलब होता है दोस्तों गुमनाम, बेनाम। तो वही चीज एनोनिमस इंटरनेट वॉलेंटियर मतलब गुमनाम इंटरनेट, और वॉलेंटियर मतलब दोस्तों देखिए वॉलेंटियर लिखा है, और वॉलेंटियर मतलब होता है स्वयं सेवी। जी हाँ दोस्तों, वॉलेंटियर मतलब होता है स्वयं से भी, एनोनिमस मतलब होता है दोस्तों गुमनाम। तो आप जो मैं मीनिंग बता रहा हूं दोस्तों इसको आप लिख लीजिएगा। मैंने एनोनिमस बताया दोस्तों, और एनोनिमस मतलब होता है गुमनाम, और वॉलेंटियर मतलब होता है दोस्तों कि जो व्यक्ति है अगर वो स्वयंसेवी है, स्वयं सेवक है, तो उसी को कहते हैं वॉलेंटियर। हु माने जो, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देते हैं विदाउट पे, बिना कुछ अदा किए या बिना किसी वेतन के। जो भी एडिट करता है उसको वेतन नहीं मिलता, फिर भी वो जो क्या करता है, कंट्रीब्यूट अपना योगदान देता है। आगे क्या कह रहा है, क्रिएटेड इन 2001। जी हाँ दोस्तों, क्रिएटेड माने बनाया गया, इन 2001 मतलब 2001 में, दोस्तों 2001 में विकिपीडिया को बनाया गया। विकिपीडिया हैज ग्रोन, विकिपीडिया हैज ग्रोन मतलब कि विकसित हुआ। कैसे विकसित हुआ, क्विकली, शीघ्रता से। एंड माने और, इज टुडे आज है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेफरेंस वेबसाइट मतलब कि बड़ी संदर्भित वेबसाइट में एक है विकिपीडिया अपना, विथ ऑलमोस्ट 78 मिलियन विजिटर्स ए मंथ। जी हाँ दोस्तों, विथ माने साथ, ऑलमोस्ट 78 मिलियन विजिटर, लगभग 78 मिलियन विजिटर एक महीने में जो है विकिपीडिया पर आते हैं दोस्तों। एवरीडे पीपल फ्रॉम
ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट बाई एडिटिंग एंड क्रिएटिंग न्यू आर्टिकल्स टू द आर्गुमेंट नॉलेज बाई विकिपीडिया इनक्लोपीडिया। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों, देखिएगा क्या कह रहा है कि विथ ऑलमोस्ट 78 मिलियन वॉलेंटियर्स 78 मिलियन विजिटर्स 78 मिलियन व्यूअर के साथ एक महीने में, मतलब एक महीने में 78 मिलियन व्यूअर जो हैं वो विकिपीडिया पर आते हैं दोस्तों। एवरी डे, प्रत्येक दिन पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार से जो है, पूरे संसार से प्रत्येक दिन दोस्तों बहुत सारे लोग आते हैं और कंट्रीब्यूट योगदान देते हैं बाय एडिटिंग, एडिट करने के द्वारा एडिट करते हैं एंड क्रिएटिंग न्यू आर्टिकल्स और नए लेख लिखते हैं, नए लेख बनाते हैं टू आर्गुमेंट तर्क वितर्क करने के लिए द नॉलेज ज्ञान पर हेल्ड बाई विकिपीडिया इंसाइक्लोपीडिया। हेल्ड मतलब कि इसको सबको घटित किया जाता है, इसको सबको बनाया जाता है किसके द्वारा, विकिपीडिया इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया बहुभाषी क्षेत्र के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो ये था पूरा पैसेज हमने दोस्तों पढ़ दिया। अगर मैं एक मतलब कि पूरा विस्तार में बिना कुछ बताए बिना कुछ समझाए अगर एक लाइन में पूरी कहानी बताऊं दोस्तों, तो विकिपीडिया के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मल्टीलिंगुअल वेब बेस्ड फ्री कंटेंट, मतलब विकिपीडिया एक ऐसा जो है वेबसाइट है जहां पर आपको फ्री में बहुभाषी कंटेंट मिलता है दोस्तों, और इसे कोई भी एडिट कर सकता है, कोई भी इसमें कंटेंट डाल सकता है दोस्तों। विकिपीडिया इज रिटन बाय मोस्टली एनोनिमस इंटरनेट वॉलंटियर्स, और विकिपीडिया जो होता है वो गुमनाम इंटरनेट स्वयंसेवी के द्वारा लिखा जाता है दोस्तों, और जो कि बिना किसी पैसे के, बिना किसी कीमत के अपना योगदान देते हैं दोस्तों। 2001 से विकिपीडिया बना था और 2001 से लेकर के ये बहुत शीघ्र ही विकसित हुआ दोस्तों, और आज अगर बात की जाए तो आज ये विश्व में जो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो वेबसाइट है, संदर्भित वेबसाइट है, उसमें से ये वन ऑफ द एक है। और अगर हम बात करें दोस्तों तो लगभग 78 मिलियन लोग एक महीने में आते हैं, 78 मिलियन लोग, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, विथ एट मोस्ट 78 मिलियन विजिटर्स इन ए मंथ। दोस्तों लगभग 78 मिलियन लोग एक महीने में आते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व से लोग इसमें सहयोग करते हैं दोस्तों, कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो इसमें नए नए लेख जोड़ते हैं जिससे जो मतलब कि प्यूपिल हैं वे अपने ज्ञान के आधार पर तर्क वितर्क कर सकें। और ये सारी चीज़ें करवाता कौन है दोस्तों, हेल्ड बाय विकिपीडिया इंसाइक्लोपीडिया, बहुभाषी विकिपीडिया के द्वारा ये सभी कार्यक्रम करवाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये था हमारा पैसेज। चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपके प्रश्न किस प्रकार आते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विकिपीडिया इज अवेलेबल विथ इट्स विजिटर इन। विकिपीडिया मतलब विकिपीडिया, इज माने है अवेलेबल मतलब उपस्थित है या योग्य है, विथ इट्स विजिटर अपने आगंतुक के प्रति या अपने व्यूअर के प्रति, इन माने में, वन लैंग्वेज केवल एक भाषा में, टू लैंग्वेज दो भाषा में, मेनी लैंग्वेज बहुभाषी, और नॉट क्लियर फॉर द पैसेज से क्लियर नहीं हुआ। दोस्तों आप लोग बताइए कि क्या जो विकिपीडिया है वो एक भाषी है, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं दोस्तों। क्या विकिपीडिया एक भाषी है, क्या विकिपीडिया द्विभाषी है, क्या विकिपीडिया बहुभाषी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा में हूं, आप लोग उसकी कमेंट कीजिए, मैं देखता हूं कि कौन बच्चा सही जवाब देता है दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर कुछ राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, मैं अगर इसके सही जवाब की बात करूं दोस्तों, तो विकिपीडिया जो है वो मेनी लैंग्वेजेस बहुभाषी है। जी हाँ दोस्तों, विकिपीडिया हमारी मेनी लैंग्वेजेस बहुभाषी है।
दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो कह रहा है विकिपीडिया इज ए वेब पेज, विकिपीडिया एक वेब पेज है जहां पर क्या होता है देखिएगा, विच कैन बी करेक्टेड बाई एनी बॉडी, जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा करेक्ट किया जाता है, which can be read by anybody but cannot contribute, which माने जो can be read माने पढ़ा जाता है by anybody प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, but माने लेकिन cannot contribute participate नहीं कर सकता, योगदान नहीं कर सकता। आगे है दोस्तों which can be corrected by anybody, जिसे कोई भी व्यक्ति करेक्ट कर सकता है, but its correction cannot be read by anyone, लेकिन उसका करेक्शन जो होता है वो सभी के द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता दोस्तों। और आखिरी चौथा लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा आप लोग बताइए, मैं इसके सही जवाब की प्रतीक्षा में हूं दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो विच कैन बी करेक्टेड बाई एनी बॉडी, जिसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, मैंने कहा कि विकिपीडिया एक ओपन मॉडल है, तो ओपन मॉडल का मतलब कोई भी व्यक्ति यहां पर जा सकता है, कोई भी व्यक्ति इसे एडिट कर सकता है और कोई भी व्यक्ति इसमें अपना लेख डाल सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कहीं भर कोई भी समस्या हो तो आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न अगर चलें दोस्तों, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है हाउ मेनी पीपल विजिट विकिपीडिया एवरी मंथ, प्रत्येक महीने कितने लोग विकिपीडिया पर विजिट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक महीने कितने लोग विकिपीडिया पर विजिट करते हैं। तो दोस्तों अगर हम विजिट करने की बात करें तो आप इसमें देख रहे होंगे 7.8 करोड़। देखिए क्या है, 78 मिलियन है ना, क्या कह रहा है देखिएगा, मैं पैसे एक बार खोल दे रहा हूं दोस्तों, क्या कह रहा है इसमें पढ़िए सॉरी विथ ऑलमोस्ट 78 मिलियंस कह रहा है दोस्तों, और 78 मिलियंस का मतलब होता है दोस्तों 7.8 करोड़। तो वही चीज है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। कहीं समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द काज ऑफ विकिपीडिया बिकमिंग सो रिच नॉलेज फीडर। जी हाँ दोस्तों, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स, जो कि डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है द काज ऑफ विकिपीडिया, विकिपीडिया को बिकमिंग बनाता है सो रिच, इतने अमीर नॉलेज फीडर के बारे में। तो दोस्तों ऑल द वेब पेज आर कनेक्टेड टू इट नाउ, मतलब सभी वेब पेज इससे जुड़े हुए हैं। क्या ऐसा है जो मतलब कि विकिपीडिया इसको इतना मजबूत बनाता है, नहीं दोस्तों। एवरी डे विजिटर कॉन्ट्रीब्यूट दियर नॉलेज टू द साइट, एकदम सही है दोस्तों कि प्रत्येक दिन जो व्यूअर होते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट भाग लेते हैं, योगदान देते हैं दियर नॉलेज, अपने ज्ञान का टू द साइट, साइट पर। जी हाँ दोस्तों, अपने ज्ञान का जो विजिटर होते हैं, जो व्यूअर होते हैं, वो अपने ज्ञान को इसमें लिखते हैं, अपनी नॉलेज को, जो भी उनके मतलब कि विचार में होते हैं वो सभी ज्ञान इसमें लिखते हैं, उस पर तर्क वितर्क होता है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन मतलब ज्ञान की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, फाइट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की लड़ाई, और ज्ञान की लड़ाई में जो है दोस्तों हमेशा सही, जैसा कि मैं चलाया था दोस्तों जियोग्राफी टॉप 1000 क्वेश्चन, उसमें ज्ञान की लड़ाई होती थी दोस्तों। जब टेस्ट लेता था मैं तो बच्चे, एक से एक बच्चे कमेंट करते थे दोस्तों, तो एकदम सेम टू सेम उसी तरह विकिपीडिया भी है कि विकिपीडिया दोस्तों ये तो मान लीजिए यूट्यूब है और वो विकिपीडिया है, और विकिपीडिया पे आप कुछ भी सर्च करिए दोस्तों सब चीज आपको मिलेगा, और चाहे जिस लैंग्वेज में आप चाहें उस लैंग्वेज में आपको मिलेगा दोस्तों। तो वही चीज लिखा हुआ है। तो आगे क्या कह रहा है, विकिपीडिया प्लेज हैविली टू इट्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स, मतलब विकिपीडिया पे मतलब अदा करता है, देता है हैवली भारी मात्रा में मतलब ज्यादा पैसे टू इट्स कंट्रीब्यूटर्स, अपने मतलब कि जो योगदान करता है उनको। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने कहा कि बिना किसी योग मतलब पैसे के, बिना किसी कीमत के लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वही चीज है दोस्तों कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो दोस्तों पहला पैसेज ये था आज का हमारा, जो सेट वन में पहला पैसेज दिया गया था वो विकिपीडिया पर आधारित था और विकिपीडिया पे चार क्वेश्चन भी थे दोस्तों, और चार क्वेश्चन थे। तो ये सभी क्वेश्चन जो है हमने बता दिया आपको दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट मीनिंग थी वो हमने बता दिया। इम्पोर्टेंट मीनिंग एक थी एनोनिमस, और एक इम्पोर्टेंट मीनिंग थी दोस्तों एनोनिमस, और एक इम्पोर्टेंट मीनिंग थी दोस्तों आपकी वॉलेंटियर्स, और एक और बता देता हूं मैं, एक जो है आपको मैं एडम फ्रेज दे देता हूं, पैंडोरास बॉक्स, पैंडोरास बॉक्स। जी हां दोस्तों, पैंडोरास बॉक्स मतलब होता है बुरी शक्तियों का खजाना। जी हां दोस्तों, बुरी शक्तियों का खजाना, पैंडोरास बॉक्स मतलब होता है दोस्तों बुरी शक्तियों का खजाना। जी हां दोस्तों, तो ये क्या है पैंडोरास बॉक्स, बुरी शक्तियों का खजाना, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे दोस्तों, सेम टाइम सेम जगह। और याद रखिएगा सत्यम सर की जो क्लास है 11 बजे उसको लेना ना भूलिएगा। आज सत्यम सर की पहली क्लास है दोस्तों, और एकदम बता रहा हूं कि एकदम मजा आ जाएगा, लाजवाब क्लास है दोस्तों। तो मिलेंगे दोस्तों हम अगले वीडियो में, और हमारे साथ बने रहिए द स्पीड स्टडी पर। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। तो नमस्कार, धन्यवाद।